सत श्री अकाल चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत तो पहला एक नज़र मार लें सुर्खियों के वल। कांग्रेस नूं होर देनी पवेगी कुर्बानी। इंडिया गठजोड़ च सीटां दी वंड नूं लैके फिर फसिया पेच। सीपीआई पार्टी ने रखी नवी शर्त। गंगोत्री धाम च हुई जबरदस्त बर्फबारी। बर्फ की चिट्टी चादर नाल ढकिया मंदिर। बर्फबारी तो बाद बंद रही कई सड़कां। सेहत मंत्री डॉक्टर बलवीर सिंह ने माता कौशल्या हस्पताल का किया अचनचेत दौरा। हुण खबरां विस्थार दे नाल। उड़ीसा च भारतीय गठजोड़ च सीटां दी वंड नूं लैके बैठक हुई है। इस मीटिंग विच सीपीआई ते कांग्रेस लीडरशिप दरमियान चर्चा हुई। सीपीआई ने सूबे दीआं 2 संसदी ते 17 विधानसभा सीटां ते दावा पेश कीता। सीटां दी वंड नूं लैके वख-वख राज्यां विच भारत गठजोड़ दीआं पार्टियां विचाले टकराव दी स्थिति बनी हुई है। हालांकि कांग्रेस समेत सहयोगी उड़ीसा च अजिही स्थिति तों बचण दी कोशिश कर रहे हैं। उड़ीसा विच इस गठजोड़ दी सीट वंड नूं राज दे विशेष दर्जे दे मद्देनज़र महत्व दिता गया है। सूत्रां मुताबिक सीपीआई आगू ते अभय साहू ने प्रदेश कांग्रेस प्रधान शरद पटनायक और साबका प्रधान प्रसाद हरिचंदन नाल गलबात की। सीपीआई ने 17 विधानसभा सीटों की मांग की। हालांकि कांग्रेस नेता के इस मांग से कोई फैसला नहीं लिया। कांग्रेस का कहना है कि सीट वंड समझौते का ऐलान प्रदेश कांग्रेस इंचार्ज अजय कुमार ते होर सीनियर नेतावां नाल चर्चा तो बाद किया जाएगा। सरहदी जिले उत्तरकाशी च भारी बारिश हुई है। उंचाई वाले इलाकों च भी भारी बर्फबारी भी हुई है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम खेतर च करीब 1 फुट बर्फ जमा हो गई है। गंगोत्री मंदिर के नेड़े भी भारी बर्फबारी हुई है। गंगोत्री धाम च भी बर्फबारी की वीडियो देखने मिली है। बर्फबारी कारण मंदिर भी चिट्टा हो गया। इसकी वीडियो सामने आई है। इस तो इलावा हरशिर घाटी के खरसाली हरकिदून इलाके च भी भारी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी अजे भी जारी है। बर्फबारी के कारण गंगोत्री राष्ट्रीय मार्ग गंगानी तो गंगोत्री तक लगभग 50 किलोमीटर के खेत्र में बंद है। इस तो इलावा बर्फबारी कारण जिले दीआं 5 मोटर सड़कां भी बंद हो गई ने। इन्हां मोटर रूटां विच उत्तरकाशी तो लमगाओ श्रीनगर नूं जोड़न वाला रस्ता भी शामिल है। ज्ञानवापी केस का फैसला हिंदुओं के हक में आया। अदालत ने हिंदू पक्ष नूं व्यास जी दे तहखाने विच पूजा करन दा अधिकार दित्ता है। ज्ञानवापी मामले च हिंदू पक्ष दी नुमाइंदगी कर रहे एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने कहा कि हिंदू पक्ष नूं व्यास का तहखाना विच पूजा करन दी इजाजत दित्ती गई है। जिला प्रशासन नूं 7 दिनां दे अंदर प्रबंध करने पैणगे। उन्होंने कहा कि पूजा 7 दिनां दे अंदर शुरू हो जाएगी। हर किसी नूं पूजा करन दा अधिकार होएगा। विष्णु शंकर जैन ने कहा कि असीं इलाहाबाद हाई कोर्ट विच केवीएट दायर करांगे। जेकर अदालत इहनूं सुणदी है तां असीं उत्थे तैयार हां। जिला जज डॉक्टर अजय किशन विश्वेस ने पंडित सोमनाथ व्यास के पोते शैलेंद्र पाठक द्वारा ज्ञानवापी में स्थित व्यास जी के तहखाने जिला मैजिस्ट्रेट को सौंपण से उसनों एक अधिकारी देने की मांग करने वाले केस में फैसला फिलहाल सुरक्षित रख लिया। डोदरा जिले च एक फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री च गैस लीक होने कारण धमाका हो गया। इस हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई जदों की एक होर मजदूर जख्मी हो गया। पुलिस अधिकारी ने दसिया कि वडोदरा जिले के पदरा तालुका के एक लबारा पिंड स्थित फैक्ट्री च गैस पाइप चो लीक होने कारण 2 बजे धमाका होया। पादरा पुलिस इंस्पैक्टर LB तड़वी अनुसार फैक्ट्री में धमाका उस समय होया जदों वनीरो लाइफ केयर के प्लांट गैस पाइप चो लीकेज हो गई। उस समय मौके पर 4 कर्मचारी मौजूद सन जिस कारण वो जख्मी हो गए। अधिकारियों मुताबिक हादसे तो तुरंत बाद मजदूरों को वडोदरा के हस्पताल ले जाया गया जिथे इलाज दौरान 3 मजदूरों की मौत हो गई। फिलहाल अगलेरी जांच जारी।
कांग्रेस ने फौज विच भर्ती लई नवी योजना अग्निपथ के विरुद्ध लोगों च जागरूकता पैदा करने लई जय जवान मुहिम की शुरुआत की है। पार्टी ने यह भी अपील की है कि साल 2019 तो 2022 दौरान फौज, समुद्री फौज ते हवाई फौज चुने गए लगभग 1.5 लाख नौजवानों नियुक्ति पत्र दिए जाए तो उन्होंने भर्ती यकीनी बनाया जाए। पार्टी के मीडिया विभाग के मुखी पवन खेड़ा ने कहा कि जंग हथियारों नाल लड़ी जाती है पर हिम्मत नाल जीती जाती है। अग्निपथ योजना फौज का मनोबल तोड़ रही है, लखां फौजियों के सुपनों पर हमला कर रही है। तुसीं एक मकान ते एक कार किराए ते लै सकते हो पर तुसीं एक सिपाही नूं किराए ते नहीं लै सकते। चार बजे उठकर ये बैठे हैं हमारे साथ कर्नल साहब, ये बताते हैं, बताएंगे आपको, हमें भी कई बार किस्से सुनाते हैं। हमारे आपके परिवार में कई लोग फौज से हैं। सुबह 4 बजे उठकर, ठंड हो, गर्मी हो, बर्फबारी हो, कुछ हो, वो अपनी कसरत करते हैं, वो एक्सरसाइजेज में जाते हैं। आज वो जवान तनाव का शिकार है, आज वो घर से बाहर निकलने की उसकी हिम्मत नहीं है, नजरें मिलाने की उसकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि जो उसने सोचा था, जो उसने अपने एक सपना देखा था, वो आपने तोड़ दिया। 1,60,000 ऐसे नौजवान जिन्होंने तैयारी की, 4 साल में उनका सिलेक्शन हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन उनको ज्वाइनिंग नहीं दी। ये मुद्दा भी हम लोग इस मंच से उठा चुके हैं, राहुल जी लगातार इसके बारे में बोल रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष इसके बारे में कई बार चर्चा कर चुके हैं। 1,60,000 लोग, क्वालिफाइड लोग, उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही। पहले आपने कहा कोविड खत्म हुआ तो उनको पलट के कहते हैं साहब आप तो ओवर एज हो गए, ये क्या न्याय है? ये अन्याय काल का एक ज्वलंत उदाहरण है आपके सामने, नौजवानों के साथ कैसे अन्याय हुआ, और उन नौजवानों के साथ जो आपको, जिनसे आप उम्मीद करते हो कि सीमा पर जाकर वो आपके लिए लड़ेंगे। पंजाब दे सेहत ते परिवार भलाई मंत्री डॉक्टर बलवीर सिंह ने माता कौशल्या हस्पताल पटियाला दा अचनचेत दौरा करके ओपीडी, एमरजेंसी ते आईसीयू वार्ड ते अल्ट्रासाउंड विभाग दा निरीक्षण किया। इस मौके सेहत मंत्री डॉक्टर बलवीर सिंह वालों दाखिल मरीजा ते दवाई लैन आए मरीजा नाल गलबात की गई ते उन्हां तों फीडबैक लई गई। इस मौके सेहत मंत्री वालों हस्पताल अधिकारियों नूं रहिंदियां कमियां ते दवाइयां दा समय सिर प्रबंध करन दे आदेश दिए गए। फिरोजपुर की गोबिंद नगरी में उस समय एक बड़ा हादसा वापर गया जो अचानक एक घर में अग लगन कारण प्रवासी परिवार का एक साल का लड़का ते 2.5 साल की लड़की अग की लपेट में आ गए। जिस वेले हादसा वापरे उस वेले दोवें पति पत्नी अपने अपने काम से गए हुए सन, आस पास के लोगों ने बच्चों को अग चो बाहर कढ़िया ते हस्पताल दाखिल करवा दिता, जिथे दोनों बच्चों की हालत नाजुक बनी हुई है। उत्थे इस हादसे को लैके नेड़े रहिंदे इक ग्रंथी सिंह ने दसिया कि जदों वह मौके पर पहुंचे तो घर अंदर पई फ्रिज विचों अग दीआं लपटां निकल रही सन, जिस तों बाद उन्हें बड़ी मुश्किल नाल बच्चों को अग चो बाहर कढ़िया। उन्होंने प्रशासन ते समाज सेवी संस्थावां अगे प्रवासी परिवार के बच्चों की मदद लई गुहार लाई है ताकि बच्चों की जान बचाई जा सके। रहिंदे इत्थे गोबिंद नगरी रहिंदे आ, किते रूम वगैरह हैगे आ, वैसे दिहाड़ी वगैरह वाले बंदे हैगे आ, ये किते गए हुए सी बाहर अपना काम वगैरह करन, पिछों घरे दूजे कमरे च बच्चे छड्डे हुए सीगे, उधर कोई कह रहे कि हीटर वगैरह सीगा ते ओह रख्या हुआ सी फ्रिज दे उपर ते उहदे नाल जिहड़ा है फटे है सारे। एक बच्चे की साल उम्र है, एक बच्चे की 3 साल उम्र है जी, ते जिहड़ा 1 साल वाला है वो थोड़ा सीरियस है ज्यादा, ते 3 साल वाला थोड़ा जिहा घट सीरियस है। अमृतसर के बस स्टैंड के नाल लगते मोरां वाले चौंक में एक छोटी लड़की जिसकी उम्र महज 13 साल के करीब है, उसकी बस हेठ आने नाल मौत हो गई है। जानकारी मुताबिक बस का पता नहीं लग सकिया पर पुलिस वालों अनपछाते व्यक्तियों विरुद्ध मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। इस संबंधी पीड़ित परिवार ने कहा है कि छोटी बच्ची को बस वालों हेठा दरड़ दिया गया है जिस कारण उसकी मौत हो गई है। पीड़ित परिवार ने कहा कि पुलिस वालों ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही, हालांकि पुलिस अधिकारी का कहना है कि उन्होंने वालों मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
बीते दिन दसूहा के बलगन चौंक स्थित एक बजाज मोटरसाइकिल एजेंसी के मालिक वालों एक नौजवान के गोली मार के कतल करने का समाचार प्राप्त होया। मृतक एजेंसी में मोटरसाइकिल मकैनिक से, जिस तो बाद पुलिस ने मृतक नौजवान के परिवार वालों दिए गए बयान के आधार पर कातिल एजेंसी मालिक को गिरफ्तार कर लिया, जिस वालों तहस चा के अपने लाइसेंसी पिस्टल नाल गुरप्रीत सिंह से गोली चला दी गई। नाल ही पुलिस वालों मृतक का पोस्टमार्टम करवा के लाश वारसा के हवाले कर दी गई है। उधर मृतक नौजवान के संस्कार मौके पिंड उडरा में बहुत ही गमगीन माहौल सी। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल ते समुची अकाली लीडरशिप श्री अकाल तख्त साहिब विखे पहुंची। श्रोमणी अकाली दल वालों पंजाब बचाओ यात्रा की शुरुआत करने तो पहला श्री अकाल तख्त साहिब से अरदास की गई। पंजाब बचाओ यात्रा का आगाज अटारी हल्के तो शुरू करने तो पहला समुची लीडरशिप सचखंड श्री हरिमंदर साहब नतमस्तक होने लिए पहुंची, जिथे उन्होंने पंजाब बचाओ ते पंजाब की चढ़ती कला लिए अरदास कर इस यात्रा की शुरुआत की गई। सारी पार्टी ने अरदास करके अज यात्रा शुरू की है। परमात्मा मेहर करन, पार्टी के सिर ते हथ रखन। आ पंजाबियों की कौम दी जथेबंदी है ते पंजाब जो हालात है पिछले 7 साल जो बन गया है ते खास करके जो हालात अज पिछले 2 साल झाड़ू वाले ने बना दी है। परमात्मा चरण अरदास बेनती करते हैं कि मेहर रखन पंजाब के सिर पर, पार्टी के सिर पर, कि तकड़े होके असी पंजाब दी वास्ते जो जथेबंदी बनी है पंजाब नू बचाइए। सारी पंजाबियों नू बेनती है, खालसा पंथ नू बेनती है, आओ कट्ठे होके पंजाब नू बचा लिए। श्री अकाल तख्त साहब तो अरदास करके श्रोमणी अकाली दल की समुची लीडरशिप पंजाब दीयां सड़कां ते जा रही है। पंजाब चाओ यात्रा का आगाज अटारी तो होना, जिहड़ा शाम सिंह अटारी वाले महान जरनैल का पिंड और जिस धरती तो शाम सिंह ने खंडा चुक के अंग्रेजों के विरुद्ध आखिरी लड़ाई लड़ी सी। और मैं कह सकता कि श्रोमणी अकाली दल मौजूदा सरकार दीयां नाकामियां खामियां नलायकियां का पर्दाफाश करन लई और सच जग जाहर करन लई और पंजाब के लोगों को एहसास कराने लिए कि 2 साल जिहड़ा फैसला सी वो बड़ा गलत सी और 2 साल पहला लिया फैसले ने पंजाब की बड़ी तबाही की आ, पंजाब की बड़ी बर्बादी की आ। और अज जे पंजाब नू बजाउणा तां पंजाब नू जागणा पएगा, पंजाबियों नू पिछली गलती का एहसास करके मतलब सच नाल खड़ना पएगा। और ये सरकार ने जिस तरह फजूल खर्चियां करके पंजाब का खजाना लुटिया, मैं समझता कि अज जे पंजाब नू आर्थिक खोरा लग्या होया। जिस तरह इहदे नां दे विच ही स्पष्ट है कि पंजाब बचाओ यात्रा कढ़न दा मतलब है कि पंजाब दे हालात इस थां दे उत्ते पहुँच गए है कि पंजाब दी जनता अगर ना जागी, इकट्ठी ना होई, पार्लीमेंट दे विच सारिआं ने रल के कोई चंगा फैसला ना कीता ते आउण वाले समें दे विच फिर पंजाब नूं दुबारा रिवाइव करना बहुत मुश्किल है। पंजाब विच देर रात तो भारी मीह पै रहा, कई थावां ते मीह पैण नाल गड़ेमारी की भी खबर है। लुधियाना विच सवेरे गड़ेमारी हुई है, मीह कारण मौसम ठंडा रहा। सवेरे 8 बजे भी मीह ते बदलां कारण आसमान विच हनेरा बनिया रहा। सर्दियां की दूजी बारिश है, इस तो बाद मोहाली विच भी भारी गड़ेमारी हुई है। मीह ते गड़ेमारी कारण ठंड एकदम वध गई है। शहर के कई इलाकों में बिजली गुल है। दस दिए कि इस साल शहर च दिसंबर के अंत तो बाद मीह नहीं पिया पर फरवरी के पहले दिन ही भारी मीह पिया। मौसम विभाग वालों ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मीह कारण लोग घरों में ही लुके रहे। मामला माइक्रो फाइनेंस कंपनी वालों लुटे गए लोगों के नाल जुड़िया होया, जिस कारण लोगों वालों कचहरी चौंक विच रैली करके रोस प्रदर्शन करदिआं पंजाब सरकार वालों जिहे कर्जे माफ़ करन दी गल आखी, जिस विच तकरीबन 25,000 दे करीब पत्र लिख के प्रशासन राही भेजन की गल की गई। इस मौके गलबात करदिआं पीड़ित लोगों ने दस्सिया कि साडे इलाके विच तकरीबन 40% दे करीब महिलावां वालों लोन ले गए ने ते 20% महिलावां वालों लोन की किश्त नाल देण दे चलदे बाकियों कोलों पैसे कट्टे जांदे ने ते जेकर पैसे ना दिते जाण तां घरों समान चुके कंपनी वाले लै जाते हैं, जिसके चलते इस धक्के संबंधी उन्होंने यह प्रदर्शन किया।
फतेहगढ़ चूड़िया के पुराने बस स्टैंड से 3 से 4 अनपछाते नौजवानों वालों शरेआम तेज धार हथियारों नाल 45 साल औरत नूं बाजार विच गंभीर रूप नाल जख्मी करके फरार हो गए। जख्मी हालत विच औरत नूं फतेहगढ़ चूड़िया के एक निजी हस्पताल च दाखिल करवाया गया, जिथे डाक्टरों ने उसनूं अमृतसर रैफर कर दिया। जख्मी औरत की पहचान 45 साल गुरप्रीत कौर वासी फतेहगढ़ चूड़िया वजों हुई है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हुण नजर मारदे हां अज दे मौसम दे हाल दे वल। इस दे नाल ही खबरां दा सिलसिला इत्थे समाप्त हुंदा है। नवीआं ते ताज़ा खबरां दे नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई दिओ इजाज़त, धन्नवाद।